Hello everyone, you are most welcome again on my this new channel. Today we are going to talk about three important literary terms. First is accumulation, second is ad hominem, third is allegory. वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मेरा नया चैनल है और पिछला जो चैनल था जिस पर आप मुझे देखते थे वो अब सस्पेंड हो चुका है और उस पर मेरे साथ आप लोग पूरे 33,000 लोग जुड़ चुके थे और इट वॉज रियली सैड टू लूज़ दैट चैनल बट दिस न्यू चैनल आई विल मेंटेन दिस चैनल फॉर इंग्लिश लिटरेचर अगेन एंड आई विल मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर इंग्लिश लिटरेचर. तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आप मेरे प्रीवियस चैनल पर जुड़े हुए थे तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए. आई हैव ओनली 500 सब्सक्राइबर्स हियर राइट नाउ. आई नीड 1000K टू save my AdSense account, so please do support. Let's discuss the video now, today. First let's take this literary term accumulation. Accumulation का मतलब होता है कि जब राइटर किसी एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट नेम्स यूज करता है. तो अगर हम इसका शॉर्टकट हमें याद रखना है जो मैंने बनाया है, तो अगर सेम वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ थिंग यू विल से accumulation is the literary term. Okay, now let's take the example. Then shall our names familiar in his mouth as household words, Harry the King, Bedford and Exeter, Warwick and Talbot, Salisbury, Gloucester. So यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो हेनरी किंग है, okay, Henry King is called with different names: Gloucester, Salisbury, Talbot and Warwick, Exeter and Bedford. So that's why we have accumulation here. Hopefully you have got this one. Now next one is ad hominem. Ad hominem क्या होता है कि अगर कोई राइटर किसी का जो आर्ग्यूमेंट है या कोई दो इंसान हैं, दो कैरेक्टर हैं किसी स्टोरी में या किसी ड्रामा में, किसी वर्क में, और वो किसी फर्स्ट इंसान के आर्ग्यूमेंट की जगह उसकी पर्सनैलिटी को टारगेट करे या उस पर कमेंट करे, तो वहाँ पर हमें एड होमिनम लिटरेरी टर्म मिलता है. तो अगेंस्ट द मैन, ये शॉर्टकट मैंने इसे लिखा है यहाँ पर, आप लोग याद कर सकते हैं. नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल. हाउ कैन यू आर्ग्यू योर केस ऑफ वेजिटेरियनिज्म when you are enjoying that steak? Now you can see here this clearly shows how a person is attacked instead of being addressed for or against his argument. Means argument को छोड़कर हम directly उसकी personality को attack करते हैं या उसकी personality के बारे में हम comment करते हैं. In which abstract ideas and principles are described in terms of characters and figures. One important example is from Animal Farm. So all animals are equal but a few are more equal than others. यहाँ पर animals का use हुआ है किसको represent करने के लिए? Russian society को represent करती है जो Animal Farm है. वहाँ पे आपको अलग अलग animals आप लोगों को दिखेंगे. अगर आप लोगों ने story सुनी हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पे horses हैं, some pigs are there. So they all represent the different sections of Russian society. All right. So अगर आप लोगों को किसी भी वर्क में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो वहाँ पर हमें लिटरेरी टर्म मिलता है एलेगरी.